अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी जनाब, सबसे पहले जो जो लोग हमें देख रहे हैं और इनकेस अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज थोड़ी न्यूज थी, हमने कहा चले आपसे बात करते हैं और देखते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं उस बारे में। सबसे पहले ये कि कोरोना दोबारा से फैलने लगा है तो थोड़ा सा एहतियात कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर्स यूज कीजिए, हाथ धोते रहिए और दूर दूर रहिए सबसे। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी कहा ये जा रहा है कि जी थर्ड वेव है और अब फोर्थ वेव आ गई है, तो थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। कुछ वीक्स तो खैर अच्छे गए हैं लेकिन उसके साथ ही जो है अब दोबारा से पाकिस्तान में तो स्पेशली ये बात हो रही है कि कुछ जो है सेक्टर्स जो है उनको लॉकडाउन की तरफ भी जाने का सोचा जा रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितना सीरियसली ले रही है इस कोरोना वायरस को, इसका अंदाजा आपको इस बात से होगा कि जो हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन दे रहे हैं, यानी वैक्सीन के इंजेक्शन या वैक्सीन लगा रहे हैं लोगों को, जो पब्लिक है उसको, आम पब्लिक को, तो उनको 3 मंथ से कहा जा रहा है कि सैलरीज नहीं मिली हैं। 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले जो है वो F9 पार्क जो इस्लामाबाद में है, जहां पर एक बड़ा वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, वहां के जो हेल्थ वर्कर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो अपने उस बिल्डिंग से बाहर आ गए, सेंटर से बाहर आ गए और उन्होंने काम बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ना तो हमें सैलरीज दी जा रही हैं और ना ही किसी किस्म का उनको बोनस मिल रहा है। तो बिल्कुल इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना सीरियस होके काम कर रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोरोना को लेकर। हर बार ये कहा जाता है कि जी बड़ा हम क्रिटिसाइज करते हैं, बड़ा हम अपनी गवर्नमेंट को बोलते हैं, तो बिल्कुल हम अपनी गवर्नमेंट को बोलते हैं और हम अपनी गवर्नमेंट को कहते रहेंगे जब तक के वो काम ठीक नहीं कर लेते। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है और कोरोना का हाल ये है कि इन्होंने हेल्थ वर्कर्स की पेमेंट्स नहीं की हैं। लेकिन साथ साथ हम आपको इंसाफ की पिक्चर दिखाते हैं, ये आप इन्हें पहले भी देख चुके हैं। ये जी 25 लाख में एक कोरोना पेशेंट का इन्होंने इलाज करने का दावा किया था। इनका कहना था कि जो कोरोना फंड्स हैं वो, जब इनसे पूछा गया कि सर जी ये बताओ कि तुसी के कोरोना फंड गया कितने, तो इन्होंने कहा, सॉरी आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इन्होंने कहा कि जी एक कोरोना पेशेंट के ऊपर 25 लाख रुपीज लगे हैं। अब इनका, इन साहब का नाम जो है वो, ऑफ कोर्स आप उसे उनकी यूनिफॉर्म से तो समझ ही गए होंगे कि ये बड़े लोग हैं और इनके बारे में बात करना मना है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। और ये जनरल रिटायर्ड अफजल हैं और इनका नाम नए वाबडा चोरमैन के लिए जो है भेज दिया गया है। और लेकिन इससे पहले जो फॉर्मर चोरमैन ऑफ वाबडा थे वो भी एक रिटायर्ड जनरल ही थे। और अब आपको मालूम ही है कि बेचारे किस तरह से जो है वो ये अपनी ड्यूटीज कर रहे होते हैं और कितने ज्यादा मेहनत करते हैं कि चलें जब भी तो अपने लिए बाहर प्रॉपर्टीज बना पाते हैं, वरना आम आदमी तो पाकिस्तान में भी नहीं बना सकता। अब इनसे ही मुझे याद आया कि हमारे जो सीपैक के चेयरमैन हैं आसिम सलीम बाजवा साहब, उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं कि जी चाइना ने जो है वो डासू डैम जो है उसको बंद कर दिया है, उस पे काम और पाकिस्तानियों को निकाल दिया है। उसके ऊपर वो एकदम चुप खामोश शटअप हुए हुए हैं। चेयरमैन नहीं कहते, चेयरमैन होता है। अच्छा, ये आप लोगों ने इस पे चोरमैन लिखा हुआ था यार, क्या करते हो। खैर हम एडिट कर देंगे हमेशा की तरह, आप जानते हैं कि हम कुछ, अगर हमसे कुछ गलती हो जाती तो हम उसको बहुत अच्छे से एडिट कर देते। हमारा जो एडिटर है ना, आपको पता है वो हॉलीवुड में काम करता है और हॉलीवुड में जाके जो है ना वहाँ की मूवीज की ना वो एडिटिंग करता है, तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्टैंडर्ड है हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके जो एडिटर्स है उनका। तो बिल्कुल खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी ये एक पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जी भावलपुर में जो है हमारे नेशनल हीरो, हॉकी के नेशनल हीरो जो है समीउल्लाह साहब का ये जो है स्टैचू बना के लगाया गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर्स में,
एक में जो है वो हॉकी और बॉल के साथ है और दूसरी में वो हॉकी और बॉल नहीं है, यानी कि कुछ ही दिनों में पहले बॉल चोरी हुई और उसके बाद ही जो है वो हॉकी भी चोरी हो गई। कोई बात नहीं, तो दूसरी ले देंगे हम, ऐसी क्या बात है, हॉकी को इतनी महंगी थोड़ी होती है। और लेकिन ये किससे अंदाजा लगाइए कि चाइना को जो चूना हमने लगाया है उसका उनको अब जाके पता लगा और उन्हें मालूम हुआ कि यार ये तो मतलब एक स्टैचू लगा हो, उसकी हॉकी और बॉल नहीं छोड़ते, तो ये हमारे जो सीपैक चल रहा है या चल रहा था कहना चाहिए, उसका क्या हाल करेंगे। साथ के साथ हम ये बता दें कि जी इमरान खान साहब की पार्टी में किस तरह के लोग हैं, जो उन्होंने खजाने पे बिठा रखा है, हफीज शेख साहब, वो तो आप जानते ही हैं कि वो चोर हैं। मेडिसिन में उन्होंने आमिर कियानी को रखा था, जो उनके मिनिस्टर हैं वो हेल्थ में, और उसमें हेल्थ सेक्टर में उन्होंने मेडिसिन में चोरी की। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब को कौन नहीं जानता, जहांगीर तरीन साहब ने शुगर में चोरी की। आटे में खुसरो बख्तियार साहब हैं, उन्होंने आटे में चोरी की। उसके बाद पेट्रोलियम में नदीम बाबर साहब हैं, वो चोर निकले। और फिर जी रिंग रोड पे तो जुल्फी बुखारी साहब को सभी जानते हैं, जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो रिंग रोड में वो चोर निकले। अब इमरान खान साहब खुद बहुत ईमानदार आदमी हैं, सभी जानते हैं, उन्होंने चोरी के लिए मुख्तलिफ लोग रखे हुए हैं, वो खुद चोरी कभी नहीं करते, इसलिए हम उनको सादिक और अमीन कहते हैं। साथ ही हम आपको ये बता दें कि इमरान खान साहब ने कहा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कि जहीरुद्दीन बाबर के ऊपर फिल्म बनाने के लिए उन्होंने कहा है पाकिस्तान में लोगों को, और जो यानी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं उनसे, और उन्होंने कहा है कि बहुत जबरदस्त कैरेक्टर था जहीरुद्दीन बाबर का और हमें उसके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। और आपको तो पता ही है कि खान साहब तो वैसे ही, आपको पता, पूरी कंट्री को उन्होंने फिल्म बना दिया। तो पूछना मुझे ये था, छोटी सी बात है, पूछना मुझे ये था कि जहीरुद्दीन बाबर ने जो अपनी बायोग्राफी लिखी है उसमें उसने कहा है कि उसने ये बताया है कि वो किसी लड़के के ऊपर आशिक था, लड़की पे नहीं, जो मौलाना पकड़े गए थे लड़कों के साथ, हाँ उस तरह का कोई इश्क उसका चल रहा था किसी लड़के के साथ। तो पूछना ये था कि वो लड़के का रोल कौन करेगा, ये खान साहब ने बताया नहीं। खान साहब की कुछ, इमरान खान साहब की कुछ पुरानी हमें क्लिप्स मिली हैं जिस वक्त वो बड़ी अजीब अजीब बातें किया करते थे, जो अब वो बिल्कुल भी नहीं करते, तो सुनते हैं क्या कहते हैं। बिजली पे टैक्स, बिजली महंगी, गैस पे टैक्स, गैस महंगी, सारी चीजें, डीजल महंगा, सब महंगा। आप महंगाई के जरिए कीमत अदा करते हैं कर्जों की, और इससे क्या होता है, जब चीजें महंगी होती हैं गरीब गरीब हो जाता है, करप्ट लोग अमीर हो जाते हैं। जी तो आपने देखा कि इमरान खान साहब क्या बता रहे थे कि गरीब गरीब हो जाता है, अमीर अमीर हो जाता है। लेकिन ये बात तो सही है, मगर ये बात पाकिस्तान में बड़ी अजीब सी है कि जब आप किसी पॉलिटिशियन से तो आप पूछ सकते हैं कि जी आपके पास ये बिलियन ऑफ रुपीस कहाँ से आए, ये इतना सारा पैसा, इतना सारा माल आपने कहाँ से जमा किया, आपने उस कंट्री में और उस कंट्री में और उस कंट्री में आपने ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे ली। लेकिन यही सवाल आप किसी फौजी से नहीं पूछ सकते, आप किसी फौजी फौजी जनरल से नहीं पूछ सकते कि जी आपने इतना सारी जो है वो पापा जॉन्स पिज्जा की फ्रेंचाइज है वो कैसे बना ली है, आपने उधर ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड कैसे ले लिया, आपने किसी दूसरी कंट्री में जाके प्रॉपर्टी कैसे बना ली, ये सारी चीजें जो है ना ये पूछने से आप हो जाते हैं गद्दार। लेकिन अगर आप यही सवाल पॉलिटिशियन से पूछें तो इसका मतलब है कि आपको अपनी कंट्री से बहुत प्यार है और आप अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, और ऐसे पॉलिटिशियंस को पकड़ पकड़ के या तो आप मुल्क से बाहर निकाल दें या फिर जेलों में डाल दें या फांसी पे भी लटका सकते हैं जैसे कि भुट्टो साहब को किया। लेकिन वो जो दूसरे लोग हैं ना जिन्हें हम खलाई मखलूक कहते हैं, उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, उनसे आप बिल्कुल नहीं पूछ सकते कि सर आपने ये फ्रेंचाइज कैसे बना ली, सर आपने वो आइलैंड कैसे खरीद लिया, सर वो प्रॉपर्टी का क्या हुआ, सर ये सर आप जो है सिविलियन डिपार्टमेंट्स में जाकर लाखों की तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं, सर आपने 1 करोना पेशेंट के ऊपर 25 लाख क्या खर्च कर दिए, कौन से हीरों का हार पहना दिया उसको, ये सब नहीं पूछते वरना आप क्या बन जाएंगे, गद्दार। तो बिल्कुल मैं भी ये सब कुछ नहीं पूछ रही, मैं तो इधर जो इन्होंने लिख के रख दिया है ना, मैं तो बस सीधे सीधे आपको पता है मैं कुछ नहीं बोल रही, सर प्लीज मुझे ना फोन किएगा ना, मेरा तो फोन भी खराब है, मेरे पास तो अभी तक आईफोन भी नहीं है, सारी दुनिया ने आईफोन ले लिए सिवाय मेरे, तो
खैर मैं आगे आगे बढ़ती हूँ और आपको दूसरा क्लिप खान साहब का दिखाती हूँ, आप लोग भी ना बस ऐसे ही, और याद रखिए हमारा शो देखने से पहले जो है ना अपना दिमाग घर पे छोड़ के आया कीजिए, घर में ही तो है आप लोग, मेरा ख्याल है मेरा मतलब है साइड टेबल पे रख दिया किए, क्योंकि हमारा शो देखने के लिए दिमाग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमारे मिनिस्टर्स इतने अजीब अजीब से स्टेटमेंट्स देते हैं, अजीब अजीब सी बातें करते हैं कि उनको सुनने के लिए जो है ना वो दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता। तो देखें फिर खान साहब क्या कहते हैं। लोगों के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, फिर से पेट्रोल के ऊपर 20% टैक्स देते हैं आप। ये टैक्स आवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर पड़ता है, ये गुर्बत कॉज करती है। जब एक क्रिमिनल सिंडिकेट ऊपर बैठा हुआ है तो मुल्क का यही हाल होना था। डीजल के ऊपर 80% टैक्स लगा, 80% टैक्स है डीजल के ऊपर, लोगों के ऊपर बोझ डाल के पैसा कटा है। जब इंटरनेशनली तेल की कीमत ऊपर जाती है पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो नीचे आती है तो क्या इनको कीमत नीचे नहीं करनी चाहिए? डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जो 15 रुपया है ये आपके ऊपर टैक्स लगता है, ये आपसे पैसा चोरी किया जाता है, ये क्रिमिनल गैंग। जी तो आपने देखा कि इमरान खान साहब किस तरह से कह रहे थे कि डीजल और पेट्रोल जो है वो ऊंचा जाता है और नीचा जाता है और ये होता है और वो होता है, लेकिन साथ साथ अभी जैसे कि आप जानते हैं कि आजाद कश्मीर में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो खान साहब ने वहां जाके कह दिया कि जी मैं जो है ना वो आजाद कश्मीर को भी बाकी पाकिस्तान जैसा बना दूंगा। तो इस पे मैंने सुना है कि आजाद कश्मीर के लोग बड़े अपसेट हो गए हैं, बड़े डर गए हैं और उनका जो है ना वो खून खुश्क हो गया है और वो सोच रहे हैं कि यार ये क्या नई मुसीबत हमारे गले पड़ने वाली है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडोनेशिया के एक मिनिस्टर से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी आपका एक आप एक मुस्लिम कंट्री है और होना आपको होना तो ये चाहिए कि आपके हर जगह हर चीज के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे पता चले कि आप एक मुस्लिम कंट्री है, और लेकिन आपका जो आपकी करेंसी है उसमें जो है गणेश जी की मूर्ति आप दिखा रहे हैं और गणेश जी की पिक्चर आपने लगा रखी है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी हमने अपना मजहब बदला है, अपने आबाओ अजदाद नहीं बदले। तो ये बात बहुत ज्यादा पाकिस्तान वालों को भी सुनने की जरूरत है। खान साहब खैर हर चीज में आरएसएस की आइडियोलॉजी ले आते हैं, नेक्स्ट टाइम जब कोई उनसे बात करे चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे लोकल मीडिया की, तो खैर हिम्मत ही कोई नहीं है, लेकिन जो भी अगर इनके यहाँ से भी किसी की हिम्मत हो तो वो उनसे ये जरूर पूछे कि सर आरएसएस की आइडियोलॉजी है क्या, ताकि पता चले कि खान साहब के माइंड में क्या चीज है। अगर इनकेस वो कुछ गलत सोच रहे हैं तो आप उन्हें करेक्ट कर सकें, और अगर सही सोच रहे हैं तो फिर सोचने दीजिए, हमारा क्या जाता है, हमारे पास और भी बड़े सारे काम है। लेकिन हमारे DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान में कहीं टेररिस्ट नहीं है, पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है और पाकिस्तान जो है यहाँ से कोई दहशतगर्दी नहीं होती, ना हम यहाँ बेचते हैं ना वहाँ बेचते हैं, ना कश्मीर में बेचते हैं ना अफगानिस्तान में ना दुनिया के किसी कोने में, और पाकिस्तान में एक भी टेररिस्ट नहीं है, ये कहना है जी हमारे जो DGISPR की स्टेटमेंट एक मैंने देखी थी उसमें वो ये बात कर रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या बात है ना, ये साली दुनिया जो है ना मानती नहीं है। सॉरी आज मैंने एक संजय दत्त की मूवी देखी थी, वो कुछ इसी तरीके से बात करते हैं, तो सॉरी फॉर द लैंग्वेज, मगर ये कि ये दुनिया जो है ना मानती नहीं है, दुनिया का क्या है जी, दुनिया तो किसी को जीने नहीं देती है, दुनिया की बातों में नहीं आना चाहिए और हमें तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, इसलिए कि हमारे तो करतूत ही ऐसे हैं कि अगर हम दुनिया की बातों में आएंगे तो फिर हम जियेंगे कैसे। तो इसलिए यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और तैयार रहें, अभी तो बस अफगानिस्तान अफगानिस्तान ही होगा इसलिए कि फिलहाल तो वही हॉट टॉपिक चल रहा है, तो हम उसकी ही अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बताते रहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। आप जैसे कि जानते ही हैं कि चाइना जो है ना वो हमारे से बड़ा नाराज हो गया और उसने मजीद प्रोजेक्ट्स लगाने से भी इनकार कर दिया है, और चाइना ने ये भी कह दिया है कि जी तुझे हिसाब किताब दो, तो जी हिसाब किताब तो हम बस क्यामत के दिन जो है ना ऊपर वाले को देने वाले हैं, और उधर भी हम मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ना टोपी पहना के निकल जाएंगे और वो पूछेंगे कुछ और यहाँ से जवाब आएगा कुछ, क्योंकि ये हमारा एक तरीका है
जो हम अक्सर आपने देखा होगा कि हम डिबेट्स में भी करते हैं कि वो हमसे पूछते कुछ हैं और हम जवाब कुछ और देके और पूरे शो का टाइम खत्म कर देते हैं बड़े सक्सेसफुली और फिर मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं कि चलो अब पूछो हमसे। तो खैर ये एक अलग बात है, ये एक अलग कहानी है, इसके लिए हम फिर मिलेंगे और देखें आगे। आप हमारे जो है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों दुश्मनों सबसे कहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।